अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूडोसिंथेसिस। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से चिकन वेजी राइस। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई, वो हम इसमें शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन तकरीबन 2 कप के करीब है, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। पहले इसका चेंज हो गया है, अब इसमें हम हसबे जायका नमक शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून और पानी हम चावलों से डबल लेंगे। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो मैंने 4 कप पानी शामिल किया है, आप उसी हिसाब से शामिल करें। आधा बंद गोभी का फूल, 2 अदद गाजर और 1 अदद शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स में कटे हुए 2 अदद आलू को डीप फ्राई करके मैंने साइड पे रख दिया है और 2 अदद अंडे मैंने फेंट के नमक काली मिर्च डाल के उनका ऑमलेट तैयार कर लिया है। अच्छा जी, पानी बॉयल होने पर हम 1/2 सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे, 1/2 सब्ज़ियों को हम बचा लेंगे। आधी बंद गोभी, आधी गाजर और आधी शिमला डाल देंगे और पानी बॉयल होने पे चावल भी शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को बराबर कर लें। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, अब हम बाकी सब्जियां भी शामिल कर देते हैं। वेजिटेबल में आप मटर भी शामिल कर सकते हैं, उनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं नहीं डाल सकी। तो जो डीप फ्राई हुए आलू हैं वो भी हम अब इस स्टेज पर शामिल कर देंगे और ऑमलेट जो हमने तैयार करके क्यूब्स में काट के रखा था वो भी शामिल कर देंगे। चिल्ली सॉस 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे, सोया सॉस 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे और केचप भी 2 टेबलस्पून ही शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर 2 टीस्पून छिड़क देंगे हम सारी चावलों के ऊपर और इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। अभी एक बहुत अहम स्टेप बाकी है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अच्छा, चावल हमारे गल चुके हैं, अब हम 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक फ्लेवर आता है। लीजिए व्यूअर्स, हमारे झटपट से चिकन वेजी एंड एग राइस तैयार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।